Hello everyone, welcome back to the Chemical Engineering channel. So as per request of valuable viewers, I am dividing this video into two parts. One part is in English and one part is in local language, which is Urdu. So I am going to talk about heat transfer operations in Urdu mode in this video. And in the second part of the same video, we will be discussing it in English as well. So aaj ki jo course coverage, agar hum uski baat karein, to humare paas sabse pehle heat transfer का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स वर्सेस हीट ट्रांसफ़र, कि हम जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो हीट ट्रांसफ़र पढ़ने की क्या ज़रूरत है, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, हीट ट्रांसफ़र की ड्राइविंग फोर्स क्या है, हीट ट्रांसफ़र की एप्लीकेशंस क्या हैं और इंजीनियरिंग हीट ट्रांसफ़र में क्या क्या होता है. तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें और अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एक कप ऑफ टी की, अगर उसको सिंपली रख दिया जाए एक रूम में, तो ऑब्वियसली कुछ देर बाद अगर वो गर्म है तो वो ठंडी हो जाएगी. जब ये ठंडी होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा कि एनर्जी ट्रांसफ़र होगी. जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई तो आपका जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप कर जाएगा. ठीक, सिमिलरली अगर आप कोल्ड कैन है या चिल्ड पेप्सी की बॉटल है वो रख लें अगर, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो गर्म हो जाएगी. एक प्रोसेस में क्या हुआ है कि कप से सराउंडिंग, यानी अगर हम उस कप को सिस्टम ले लें तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ ही ट्रांसफ़र हुई है या एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, और दूसरी तरफ अगर हम जो कैन है उसको बात कर लें तो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट ट्रांसफ़र हुई है. जी, जो ये जितनी भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ये वार्म मीडियम से कोल्ड मीडियम की तरफ होती है और हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होती है, और ये उस टाइम स्टॉप कर जाती है जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है. जैसे अगर हम एसी की बात करें तो एसी अगर हमने 25 पे चला रहे हैं या 26 पे चला रहे हैं तो वो ट्रिप उस टाइम करता है जब उसने रूम में वो टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, और जैसे ही रूम में टेम्परेचर बढ़ता है तो एसी दोबारा ऑन हो जाता है, या हीटर के केस में हम रिवर्स बात कर सकते हैं. जो बेसिकली हीट है या जो एनर्जी है जो ट्रांसफ़र हो रही है, जो एनर्जी की जो फॉर्म है वो हीट के तौर पे वो ट्रांसफ़र हो रही है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, और वो ट्रांसफ़र क्यों हो रही है, ड्यू टू अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर. और वो साइंस या ब्रांच ऑफ साइंस जो इस चीज़ को डील करती है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर जिसकी वजह से हीट होती है, उसको हम कहते हैं हीट ट्रांसफ़र. अब अगर हम बात करें थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफ़र की, तो थर्मोडायनामिक्स में भी तो हम यही पढ़ते हैं कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स जो है वो हमें टाइम के बारे में कोई बात नहीं करता. थर्मोडायनामिक्स जो है वो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को तो डिस्कस कर रहा है, ठीक है, जैसे ही एक सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जा रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई इंडिकेशन नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. वो सिर्फ इतना बता सकता है कि ये सिस्टम होगा, इसकी ये डायनेमिक्स होंगी, बट अगेन टाइम के बारे में वो कोई बात नहीं करेगा. और जब हम उसको टाइम को इंक्लूड करते हैं तो वो बेसिकली रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बनता है, यानी हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम. सो इसकी डिस्कशन के लिए आपको हीट ट्रांसफर का अलग से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है. सिमिलरली अगर आप इस थर्मोस को देख लें जिसमें ये हॉट कॉफी मौजूद है एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको कूल डाउन करवाना है फ्रॉम 90 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड. अब हीट ट्रांसफर आपको ये तो इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कितनी हीट ट्रांसफर होगी, लाइक MCPDT से वो आपको क्यू की वैल्यू तो बता देगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा इसको 90 से 80 तक जाने के लिए, इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता. सो इसको आंसर करने के लिए आपको हीट ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है. डिटरमिनिंग द रेट्स ऑफ हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम अ सिस्टम एंड दस द टाइम्स ऑफ कूलिंग और हीटिंग एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इज द सब्जेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफर. सो आई होप कि आप थर्मो और हीट ट्रांसफर का डिफरेंस समझ गए होंगे कि थर्मोडायनामिक्स जो है वो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में बात करती है, लेकिन कितना टाइम लगेगा उस अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए उसके बारे में जो थर्मोडायनामिक्स है वो बिल्कुल चुप है, साइलेंट है. सिमिलरली अगर हम थर्मोडायनामिक्स की फर्दर बात करें तो वो इक्विलिब्रियम सिस्टम्स के बारे में बात करती है, जबकि जो हीट ट्रांसफर है वो नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम्स के बारे में बात करेगी. जो थर्मोडायनामिक्स है वो कहेगी कि एक सर्टन स्टेट के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, लेकिन हीट ट्रांसफर में हम ऐसी बात नहीं करेंगे क्योंकि जब टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं रहा तो हीट ने कहाँ ट्रांसफर होना है. लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है इसमें समझने का वो ये है कि लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बगैर आप हीट ट्रांसफर को जस्टिफाई नहीं कर सकते. यस, थर्मोडायनामिक्स अकेली काफी नहीं है हीट ट्रांसफर के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, बट विदाउट डीलिंग विद द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप हीट ट्रांसफर को परसू नहीं कर सकते. तो अगर हम थर्मोडायनामिक्स के लॉज की बात करें तो पहला लॉ ये कहता है कि जितनी हीट आप ट्रांसफर कर रहे हैं एक सिस्टम के अंदर उतने ही उसके एनर्जी कंटेंट बढ़ना चाहिए. डेफिनेटली ये ट्रू है अगर हम बात करें विदाउट अज्यूमिंग एनी लॉस कि जितनी भी आपने हीट एक्सप्लाई की है चीज़, ठीक है, उतनी ही वो उसके अंदर इंक्रीज हो. जैसे अगर हम 10 यूनिट हीट ट्रांसफर की है
तो उस सिस्टम में 10 यूनिट इजाफा होना चाहिए। जैसे अगर उसके पहले 50 तो अब वो 60 यूनिट्स होने चाहिए। दूसरा लॉ ये कहता है कि हीट ट्रांसफर उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में डिक्रीजिंग टेम्परेचर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक हॉट कॉफी है जो कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो वहां से हीट उधर ट्रांसफर होगी जहां पे उससे कम टेम्परेचर है। ये नहीं हो सकता कि यहाँ 70 और यहाँ 75 हो तो यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर होगी, ऐसा नहीं होगा, फिर रिवर्स ऑपरेशन होगा। तो ये हीट ट्रांसफर को समझने के लिए जो आपके पीछे थर्मोडायनेमिक लॉज है, फर्स्ट जो आपकी एनर्जी है जितनी भी ट्रांसफर होगी उतनी सिस्टम की बढ़ेगी, और दूसरा इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अब हमने हीट ट्रांसफर की बात की, और अभी तक हमने जितनी भी बात की हमने ये बात की कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। सो बेसिक रिक्वायरमेंट यही है हीट ट्रांसफर की कि एक टेम्परेचर डिफरेंस मौजूद होना चाहिए। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो वो तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट बन गई, इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस मौजूद होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी ड्राइविंग फोर्स की, ड्राइविंग फोर्स क्या है? बेसिकली वो चीज जो उस सिस्टम को ड्राइव करती है। जैसे अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो ड्राइविंग फोर्स जो है वो प्रेशर डिफरेंस है। सिमिलरली जो हीट ट्रांसफर का ड्राइविंग फोर्स है वो टेम्परेचर डिफरेंस है। और अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस की फर्दर एलेबोरेशन करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी कितना ज्यादा टेम्परेचर ग्रेडियंट है पर यूनिट लेंथ। यानी अगर हम एक रॉड की बात करें तो उस रॉड के अक्रॉस, उसकी लेंथ के अक्रॉस कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या विद टाइम टेम्परेचर में क्या वेरिएशन आ रही है। जितना टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा होगा, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर एक एंड पे टेम्परेचर 100 है और एक एंड पे टेम्परेचर 50 है, तो उसका मतलब है कितना डेल्टा आ गया 50 का। तो अगर एक एंड पे 200 और एक एंड पे 50 है, तो अब डेल्टा कितना आ गया 150 का। तो ये डिपेंड करेगा कि कितनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होनी है, अगेन कितना हीट ट्रांसफर रेट होगा, अगेन हीट डिवाइडेड बाय द टाइम। एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे बेहतर एप्लीकेशन या सबसे यूनिक एप्लीकेशन जो है वो अगेन ह्यूमन बॉडी है, कि हम हीट ट्रांसफर कर रहे होते हैं डेली। इसी तरह आपके पास हीटिंग और एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जैसे अभी मैंने स्टार्ट में एग्जाम्पल दी। सिमिलरली कंप्यूटर लैपटॉप्स हैं, आप देखते हैं कि वो गर्म हो जाते हैं, फिर आप थोड़ी देर के लिए उनको रखते हैं तो वो कूल डाउन हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें, और फिर वेरियस डिवाइसेस, कार रेडिएटर, सोलर सेल, तो ये हीट ट्रांसफर जो है ये बहुत सी जगहों पे यूज होती है। अब अगर हम बात करें इंजीनियरिंग हीट ट्रांसफर की, इंजीनियरिंग हीट ट्रांसफर में जो हमारे हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट है, जिसमें हीट एक्सचेंजर्स हैं, बॉयलर है, कंडेंसर है, रेडिएटर्स एंड सो ऑन जितने भी हैं, वो हीट ट्रांसफर एनालिसिस की बेस पे उनको प्राइमरीली डिजाइन किया जाता है। लेकिन ये दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, एक होती है साइजिंग और एक होती है रेटिंग प्रॉब्लम। अब इन दोनों में फर्क क्या है, रेटिंग में और साइजिंग में? रेटिंग जो है वो डील करती है विद द डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफर रेट, यानी हमने हीट ट्रांसफर रेट को डिटर्मिन करना है फॉर एन एग्जिस्टिंग सिस्टम एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। यानी एक सिस्टम मौजूद है ऑलरेडी, आपने सिर्फ उस सिस्टम की रेटिंग करके आपने कैलकुलेट करना है कि उस सिस्टम का हीट ट्रांसफर रेट क्या है। और जो साइजिंग है वो बिल्कुल न्यू सिरे से डिजाइन है, कि आपने उस पूरे के पूरे सिस्टम को डिजाइन करना है, उसको साइज करना है इन ऑर्डर टू ट्रांसफर हीट एट अ स्पेसिफाइड रेट फॉर अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर डिफरेंस। इस केस में आपको हीट ट्रांसफर रेट पता है, इस केस में आपको हीट ट्रांसफर रेट मालूम नहीं होता। फर्दर जब हम इसमें आगे चलते जाएंगे तो हमें चीजों का आइडिया होता जाएगा। इसी तरह हीट ट्रांसफर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, या जितनी भी मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, सीआर, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम दो तरीकों से स्टडी कर सकते हैं। या तो एनालिटिकल वे है, जो जैसे कि हम सॉफ्टवेयर यूज कर लें, कोई न्यूमेरिकल टेक्निक यूज कर लें, या फिर हम एक्सपेरिमेंटली डील कर लें, यानी हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करें, उसमें सारी चीजें देखें। एक्सपेरिमेंटल सेटअप का फायदा ये होता है कि हम एक्चुअल टाइम फिजिकल परफॉर्मेंस कर सकते हैं सिस्टम की, हम उसकी डायनामिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बट अगेन जब आप एक सिस्टम की डायनामिक्स को समझना चाहते हैं और आप उसके लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए जाहिर है आपको ऑपरेटर्स चाहिए, उसके लिए और भी डिफरेंट चीजें चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये जितनी भी चीजें हैं ये कॉस्टली होती है, ये सस्ती तो होती नहीं है। इसका मतलब है कि ये टाइम एक तो एक्सपेंसिव बहुत है, फिर टाइम कंज्यूमिंग है, और कुछ सिचुएशन में ये इम्प्रैक्टिकल भी हो सकता है कि एक्चुअली जिस सिस्टम को आप डील करना, क्योंकि देखें ना कि आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को लेके चलते हैं। अब ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में से कुछ पॉसिबिलिटीज प्रैक्टिकल हो सकती है, कुछ पॉसिबिलिटीज इम्प्रैक्टिकल हो सकते हैं, तो अगेन आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे। अगर हम एनालिटिकल अप्रोच की बात करें तो जो एनालिटिकल अप्रोच है वो फास्ट है, वो इनएक्सपेंसिव है। डेफिनेटली आपने न्यूमेरिकल टेक्निक लगानी है, आपने कुछ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जैसे एस्पन को आप यूज कर सकते हैं, तो इस तरह की जितनी टेक्निक्स हैं वो आपको टाइम सेव करती हैं, आपकी मनी सेव होती है, सिर्फ आपको एक सॉफ्टवेयर की परचेजिंग कॉस्ट पड़ेगी और दैट्स इट। लेकिन अगेन जो आपको इसमें से रिजल्ट्स मिलेंगे, उन रिजल्ट्स को आपने बड़ा केयरफुली देखना है, क्योंकि ये रिजल्ट्स डिपेंड करेंगे कि आपने जो अजम्पशंस लिए हैं, जो आपने इक्वेशंस अप्लाई की हैं, जो आइडियलाइजेशन की है, वो कितनी एक्यूरेट है। अगर वो एक्यूरेट है तो आपके रिजल्ट्स एक्सेप्टेबल होंगे, अदरवाइज
ये जितना भी काम है एनालिटिकल अप्रोच का, ये गलत ही रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का लास्ट पॉइंट, कि अच्छा कॉम्प्रोमाइज या एक ट्रेड ऑफ कैसे सिलेक्ट किया जाता है, वो इस तरह सेलेक्ट किया जाता है कि जितने भी आप नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं वो पहले बिल्ड करते हैं, और उसके बाद आप जब उन अल्टरनेटिव्स को बिल्ड कर लेते हैं, आप एनालिटिकल टेक्निक के थ्रू उनको लोअर डाउन करते हैं, और जो फिजिबल नहीं है या टेक्निकली इम्प्रैक्टिकल है आप उनको वेव आउट कर लेते हैं, वेव ऑफ कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपको जो यहाँ पे एक टाइम है वो सेव हो जाता है, आपके रिसोर्सेज सेव हो जाते हैं, आपका टाइम सेव हो जाता है। बेस्ट तरीका ये है कि आप सबसे पहले एनालिटिकल अप्रोच अप्लाई करें, वहां पे आपकी अजम्पशंस ठीक हो, आपकी आइडलाइजेशन ठीक हो, फास्ट है, इनएक्सपेंसिव है, और आपको जल्द आंसर मिल जाएगा। उसमें के बाद जब आप उसको एक्सपेरिमेंटली लेके चलेंगे तो अगेन आप अपने टाइम की बचत करेंगे। अगर आप इन दोनों को अलग अलग लेके चलेंगे डेफिनेटली उससे आपका टाइम ही जाया होगा। सो ये जो अभी तक का लेक्चर था ये उर्दू में था, इसके बाद का जितना प्रोसेस है वो इंग्लिश में रिकॉर्ड होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच, प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स ऑन हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, एंड आई विल अपलोड इट्स नेक्स्ट पार्ट इन इंग्लिश शॉर्टली। थैंक यू।